हेलो एवरीवन, नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 7 है। एक्सरसाइज 8.4 हमारी चल रही थी, ठीक है। क्या आपको करना है, इसमें बोला है इसने कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा है, इसके इक्वल मुझे प्रूव करना है टेंजेंट थीटा को। ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा होल डिवाइड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू मुझे प्रूव करना है टेंजेंट थीटा, ठीक है। सबसे पहला काम, एक साइड लेते हैं तो हम ले ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली होगी मतलब हमारी। तो दिस इज साइन थीटा, इसको एज इट इज लिख लेता हूं, माइनस 2 साइन क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय क्या होगा, दिस इज 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा। ऊपर से क्या कॉमन आएगा, देखो सबसे पहले साइन कॉस में तो कन्वर्टेड है, इसका मतलब मुझे कुछ ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना या कुछ कॉमन ले सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ, वैसे ही प्रोसेस मुझे करना, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको। यहाँ देखो साइन थीटा है माइनस 2 साइन क्यूब थीटा है, यहाँ पे मेरे पास 2 कॉस क्यूब थीटा है और माइनस क्या है कॉस थीटा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे कुछ दिख रहा है, यहाँ पे क्यूब है, क्यूब की मेरे पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, यहाँ पे भी क्यूब है, मेरे पास कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मैं साइन थीटा यहाँ है, यहाँ भी साइन थीटा है, ऊपर सेम है, साइन थीटा को क्या कर सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ, यस नो, बिल्कुल ले सकते हैं। तो अगर मैं यहां से साइन थीटा को कॉमन लेता हूं तो मेरे पास क्या बचता है, साइन थीटा मैंने बाहर निकाल लिया, क्या बचा 1 माइनस 2 साइन थीटा, कितना बाहर निकाला, पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, पावर 3 है, यहां 1 है, एक मैंने बाहर निकाल दी, टोटल कितनी थी 3 थी, कितनी बची 2, दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा ही होगा होल डिवाइड बाय, यहां से क्या कॉमन आएगा, ये भी कॉस थीटा, ये भी कॉस थीटा, मैंने ले लिया कॉस थीटा बाहर, 2 तो एज इट इज, क्यूब है, एक बाहर आ गया, कितना बचा 2, तो दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो गया। ये होने के बाद देखो मुझे इक्वल टू टेंजेंट थीटा प्रूव करना था, देखो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये तो हो गया टेंजेंट थीटा, जो प्रूव करना था वो तो यहीं से मिल जाएगा मुझे, मतलब ये वाली चीज क्या है, इससे एलिमिनेट होनी चाहिए, मतलब दोनों चीजें इक्वल, या तो इसको देखो यहां पे कॉस है यहां पे साइन है, या तो इसको कॉस में चेंज कर लो या फिर इसको साइन में कर लो, तो दोनों चीजें क्या हो जाएगी इक्वल, दोनों कर सकते हो। लेकिन मैं बोलूंगा आप इस कॉस को साइन में चेंज कीजिए, क्यों, देखो यहां माइनस का साइन है, मैं इसको जब सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो आपको क्या माइनस का साइन है और ये अंदर जाएगा तो साइन चेंज करेगा, ठीक है, तो यहां गलती होने के चांसेस ज्यादा है, यहां पे सामने क्या है प्लस का साइन है, ठीक है, तो गलती होने के चांसेस कम है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज करते हैं। अब कैसे करेंगे वो देखो, हम लोगों को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरा, इज इक्वल टू 1 होता है, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा की, स्क्वायर देखते ही आपके दिमाग में आइडेंटिटी आ जानी चाहिए, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 1 तो था, इसको इधर लेके जाओ तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, अब ये वाली वैल्यू पुट कर दो यहां पे, साइन थीटा आप इसको टेंजेंट थीटा लिखना चाहो, साइन बाय कॉस को तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते तो एज इट इज ले चलते हैं जब तक कैंसिल आउट नहीं होता, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, होल डिवाइड बाय कॉस थीटा मेरा एज इट इज रहेगा इनटू 2 ब्रैकेट स्टार्ट। अब ये ध्यान रखना इस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं और 2 सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने निकाली, दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पुट कर दो, दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी ब्रैकेट क्लोज, जो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू थी वो मैंने पुट कर दी 2 वाली ब्रैकेट क्लोज, माइनस का क्या है 1 एज इट इज और ये ब्रैकेट क्लोज। कई बार हम क्या गलती करते हैं, इस 2 की मल्टीप्लाई हम यहां तक ले जाते हैं तो वो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। इतना होने के बाद ऊपर वाला पोर्शन मैं एज इट इज रखता हूं, इसमें तो हमने कुछ किया ही नहीं, तो साइन थीटा इनटू क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इससे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ये कॉस थीटा भी एज इट इज रहेगा, यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 जब अंदर जाएगा तो क्या होगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 2 1 जा 2,
माइनस का साइन है तो 2 की साइन स्क्वायर थीटा से करोगे तो क्या होगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये काम हो गया खत्म, बाकी क्या बचा, माइनस का 1 एज इट इज। ऊपर वाला फिर से मैं एज इट इज लिखता हूं, दिस इज योर साइन थीटा, बैक स्टार्ट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड बाय, ये मेरा एज इट इज कॉस थीटा, बैक स्टार्ट। अब 2 माइनस 1 क्या होगा, प्लस का 2 माइनस का 1 है तो माइनस होगा, तो 2 माइनस 1 इज 1 और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा आपका एज इट इज। क्या ये टर्म दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, तो इस पूरे सेम है, ये पूरा कैंसिल आउट कर दूंगा, बाकी क्या बचा, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा क्या होता है, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, यही मुझे प्रूव करना था, तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और हम लिखेंगे हैंड्स, प्रूव्ड, हो गया। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 7 ऑफ एक्सरसाइज 8.4, ठीक है, अभी के लिए थैंक यू।